पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में मुख्य शाखा भारतीय स्टेट बैंक के तत्वावधान में उत्तर प्रदेश पुलिस हेतु वित्तीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस वेतनधारियों को मिलने वाली विशेष सुविधाओं के साथ साइबर अपराधों व अन्य धोखाधड़ी के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई तथा उनसे बचने के उपाय के बारे में अवगत कराया गया। जिसके संबंध में SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि मुख्य प्रबंधक श्वेता श्रीवास्तव एवं अन्य स्टेट बैंक के अधिकारियों द्वारा पुलिस कर्मियों को SBI द्वारा मिलने वाले पुलिस सैलरी पैकेज तथा SBI से संबंधित अन्य योजनाओं की जानकारी दी गई है तथा बैंकिंग फ्रॉड से बचने की विस्तृत जानकारी भी दी गई तथा पुलिस कर्मियों को कल्याण के लिए और पुलिस सैलरी पैकेज के बारे में और साइबर बैंकिंग फ्रॉड से बचने के लिए भारतीय स्टेट बैंक द्वारा पुलिस कर्मियों को जानकारी दिया गया। उन्होंने सभी पुलिस कर्मियों को बताया कि अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा लें तथा गाड़ी वाहन चलाते समय हेलमेट जरूर लगाएं। इस अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य प्रबंधक श्वेता श्रीवास्तव, शिवानी शुक्ला, रोहित तिवारी, मनोज कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मी एवं SBI बैंक के अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य शाखा भारतीय स्टेट बैंक के AGM मोहित श्रीवास्तव एवं SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें एक सुविधा मिलती है पुलिस सैलरी पैकेज। पुलिस सैलरी पैकेज में बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जिनके बारे में आपको स्वयं जानकारी नहीं होगी। बहुत सारे चीजों के जो छोटे छोटे चार्जेज हैं वो चार्जेज नहीं है उसमें। इसके अलावा जो बात किसी को कैजुअलिटी हो जाती है तो उसके संबंध में भी बड़ा पैकेज है, 37-30 लाख के आसपास जो मुझे जानकारी है। बाकी जो लेटेस्ट जानकारियाँ हैं पुलिस सैलरी पैकेज के बारे में, उसके बारे में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से AGM साहब श्रीवास्तव भी आए हुए हैं और SBI बैंक की चीफ मैनेजर मैडम भी आई हुई है। इसके अलावा आपकी टीम के और साथी भी हैं, सभी SBI टीम का गोरखपुर पुलिस की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जो जानकारी देंगे उससे निश्चित रूप से हमारे जवान लाभ उठाएंगे और आप लोगों को जो जानकारी मिले उस जानकारी को आप लोग अपने साथियों तक जरूर पहुँचाइएगा। वाकई में पुलिस सैलरी पैकेज और SBI की मिलने वाली योजनाएं आप लोगों के लाभ के लिए काफी आकर्षक है, इनका लाभ उठाइएगा। लोगों ने उनको ट्रेडिंग ऑफिस का कर्मचारी बन के, SBI ऑफिस का कर्मचारी बन के लोगों के पेंशन के पैसे, EPF के पैसे सरकार चाहेगी। अब मैं अनुरोध करूँगा कि AGM साहब से और चीफ मैनेजर साहब से ऑफिसर मिस्टर रोहित तिवारी, तो रोहित तिवारी आप अकाउंट को BSP नहीं कराते, इससे जो उनके बेनिफिट्स सदन की कमी के लाख से ऊपर जिसकी सैलरी और IPS ऑफिसर सबके लिए उनके लिए मैं बात नहीं आप करें कम से मिले। IPS ऑफिसर्स की सर सैलरी अगर कम भी हो तो भी उसकी होती है, तो उस पर फिर अलग अलग आपको इसी के हिसाब से बेनिफिट्स भी हैं। जैसे कि DD का इंश्योरेंस चार्ज 1 भी रुपये चार्ज नहीं है DD इंश्योरेंस का, अगर आप SBI से किसी और बैंक में पैसे भेजते हैं तो कोई चार्जेस नहीं लगेंगे आपके। ATM कार्ड एक एडिशनल फ्री है, एक तो आपके अकाउंट पे है ही, एक एडिशनल ATM कार्ड आप ले सकते हैं अपने घर के लिए, परिवार में छोड़ सकते हैं जहां भी हो, सब कुछ वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। सेम वैसे ही आपको ऑटो सीट की फैसिलिटी है, आप मतलब अगर 25 लाख से अधिक आपके अकाउंट में होंगे तो अपने आप को पैसे अप्रूव हो जाएंगे या फिक्स हो जाएंगे। अगर आपको अपना योनो या नेट बैंकिंग आदि सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराया जाएगा। हर वेरिएंट के साथ अलग अलग है, अगर कोई 25,000 तक की सैलरी वाला है तो उसका अलग है, गोल्ड पर 75,000 तक है आपकी सैलरी भले 40,000 हो लेकिन 2 महीने का 75,000 रुपया डेंटल इंश्योरेंस या एयर एक्सीडेंट का इंश्योरेंस ये बैंक करता है। ये हर पुलिस वाले का अगर अकाउंट PSP है तो 30 लाख रुपये तक का आपका इंश्योरेंस है। किसी भी हादसा आपको होने से शिकार होने पर कहाँ है घर पे आप 4 अकाउंट मिनिमम मैक्सिमम खुलवा सकते हैं।
इस अकाउंट में भी आपको एटीएम फ्री रहेगा, डीडी और नेफ्ट के चार्जेस फ्री रहेंगे, आपको स्वीप की सुविधा मिलती रहेगी। मतलब पैसे बाहर आप अपने अकाउंट में ना करके वहाँ भी रखते हैं तो 25,000 से अधिक होने पर वो पैसा अपने आप चल जाएगा। मोहित श्रीवास्तव, एजीएम गोरखपुर मेन। ये हम लोगों ने भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा ने एक वित्तीय जागरूकता कार्यक्रम यहाँ यूपी पुलिस के लिए रखा था, जिसमें इनके सैलरी जो हमारे यहाँ पुलिस सैलरी पैकेज अकाउंट्स हैं उसमें जो लाभ यूपी पुलिस के अधिकारियों के लिए, जवानों के लिए हैं, वो हम लोगों ने बताए। और इसके अतिरिक्त जो दूसरी वित्तीय सेवाएं जो बैंक प्रदान करता है उसके बारे में जानकारी दी। और जो साइबर सिक्योरिटी है, अनाधिकृत जो लेन देन हो जाते हैं डिजिटल माध्यम से, उसके बारे में भी हम लोगों ने विस्तृत जानकारी दी है। बैंक के जो अलग अलग तरीके के जो योजनाएं हैं उसके बारे में हमने बताया है, जैसे कि डिपॉजिट स्कीम्स के बारे में बताया है, लोन के बारे में बताया है, लोन जैसे पर्सनल लोन हो गया, होम लोन हो गए, उसमें जो उत्तर प्रदेश पुलिस के जो अधिकारी कर्मचारी हैं इनके लिए जो भी कंसेशंस हैं और जो भी लाभ हैं उसके बारे में हम लोगों ने बताया है। आज पुलिस कर्मियों के कल्याण हेतु उनको पुलिस सैलरी पैकेज के बारे में और साइबर फ्रॉड्स जो बैंकिंग से रिलेटेड हैं उनके बारे में जानकारी देने के लिए स्टेट बैंक के असिस्टेंट जनरल मैनेजर मोहित श्रीवास्तव जी और स्टेट बैंक की चीफ मैनेजर श्वेता श्रीवास्तव जी के लिए यहाँ आमंत्रित किया गया था। उन्होंने सभी जवानों के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक पुलिस सैलरी पैकेज की सुविधा है, उससे होने वाले लाभों के बारे में और बैंकिंग संबंधी फ्रॉड कैसे होते हैं उनसे बचने के बारे में बताया गया। और इसके अतिरिक्त मेरे द्वारा सभी पुलिसकर्मियों के लिए अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने तथा मोटर व्हीकल एक्ट के और क्या प्रावधान हैं, जिन प्रावधानों को लागू करने से अपराध नियंत्रण में भी मदद मिल सकती है, इस बारे में उपस्थित सभी पुलिसकर्मियों के लिए सेंसिटाइज किया गया।